बेटे लास्ट डिस्कशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बेटे जो है बेसिक्स इनको स्टडी किया था. पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस बेटे क्या है, और जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं इनको मैथमेटिकल टर्म्स में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट ऑल डिस्कशन पार्ट, लेट अस बेटे डायरेक्टली फोकस अपॉन द केस ऑफ नाउ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये किस तरीके से रिलेटेड है और इनके बेसिक पैरामीटर जो है ये कौन कौन से हैं. इमेजिन करिएगा आपके पास ये एक बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर ट्रैक में कोई ऑब्जेक्ट प्रेस्क्राइब कर रहा है, लेट इट बी द सर्कुलर ट्रैक, और इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक इमेजिन दैट वी हैव दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट एंड इन दिस वे. एंड फर्दर मोर इमेजिन करिएगा बेटा ये आपके एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ एंड वाई डैश ये एक्सिस आपको दिए गए हैं. सपोज करिए आपका कोई जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, दैट पार्टिकल और दैट ऑब्जेक्ट बेटे जो है दैट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट इज ट्रेवलिंग इन दिस वे इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस इन दिस सर्कुलर ट्रैक. एंड सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका जो पार्टिकल है बेटा इट इज एट द पोजिशन पी बेटे, और आपका ओ से लेकर पी तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सिंपली रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है. ये आप जिस भी मर्जी पॉइंट पे चले जाएं ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इट विल बी इंडिकेटिंग यू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. और डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिए ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल थीटा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. पी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM perpendicular on the YOY dash axis बेटे. बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जब आपका पार्टिकल इस पोजीशन से लेकर ये इस पोजीशन तक पहुंचता है तो ये जो प्रोजेक्शन है PM, PM को ध्यान से देखिएगा, PM आपका O पॉइंट से लेकर यहां तक पहुंच जाता है. The way your particle is moving from this point on the circular track up to this point, आपका M point origin से लेकर इस extreme position तक पहुंच जाता है. फिर जब आपका particle P से लेकर इस point तक पहुंचेगा, इस point से इस point तक, तो जो projection होगा it will go back to the point O. और जब आपका particle इस point से इस point तक पहुंचेगा जो प्रोजेक्शन है इट विल गो अलोंग दिस ओ अप टू दिस पॉइंट. और जब आपका पार्टिकल यहां वापस आ जाएगा जो प्रोजेक्शन एम है ये वापस आपका ओ पॉइंट पर अपना पाथ रिट्रेस करके आ जाएगा. सो दिस इंडिकेट्स दैट बेटा कि जैसे ही आपके पार्टिकल ने आपके ऑब्जेक्ट ने एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक प्रेस्क्राइब किया, आपका जो प्रोजेक्शन है वो मीन पोजिशन से एक्सट्रीम तक चला गया, then back to the mean, then to the other extreme, and then back to the mean. Mean उसने एक one oscillation या one vibration complete कर ली. So this is how your uniform circular motion and बेटे आपका जो oscillatory motion है इससे बेटे related है. अब dear children आइए कुछ और हमारे इसके साथ related basic parameters हैं इनकी बात करके देखें. सबसे पहले आपके पास term आएगा बेटा displacement. डिस्प्लेसमेंट इस कंटेक्स्ट में हमारा क्या इंडिकेट करती है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है. डियर चिल्ड्रन आप पी पॉइंट से जब ये एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बिकॉज ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये आपका ये ओ पॉइंट से लेकर एम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है इसको हमने बोल दिया वाई बेटी. और अगर मैं ट्रेंगल इस तरफ कंप्लीट कर लूं तो ये पॉइंट में अगर एन बोल दूं, ट्रेंगल ओ पी एन
इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, ट्रेंगल ओ पी एंड एन ट्रेंगल में, ट्रेंगल ओ पी एन में, इसमें बेटे पी एन डिवाइडेड बाई योर ओ पी दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, जरा चेक कर लीजिए, है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, पी एन आपका ओ एम के बच्चों इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाई ओ पी दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। डियर चिल्ड्रन, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो पार्टिकल है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये सर्कुलर ट्रैक प्रेस्क्राइब कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हुआ करता है। डियर चिल्ड्रन, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑब्वियसली ओमेगा इंटू टी। आप यहां पर ओमेगा इंटू टी बच्चों लिख सकते हो। सो ओ एम आपका वाई के बराबर, ओ पी आपका आर के बराबर, दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, बेटे मैं कर देता हूं, और आपके पास वाई जो है इट इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो ये वाई आपको मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डियर चिल्ड्रन दे देता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अगर ये एक्स निकालना चाहें तो एक्स भी तो डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन आर इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा, एक्स विल बी इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। आप बच्चों ऐसे भी अगर जरूरत पड़े तो ये कर सकते हो बेटे। सो डियर डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे डिस्प्लेसमेंट जैसे आप ऑलरेडी डिफाइन कर सकती हो, डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उसके लिए आपने बेटे मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेशन डिराइव किया। कई बार डियर चिल्ड्रन आपको वो कह देते हैं कि नहीं जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए बेटा, सो यू कैन से दैट फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका जो साइन ऑफ दिस एंगल ओमेगा टी है ये प्लस वन के बराबर होना चाहिए, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा वन है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं है। सो आपका वाई जो है दिस इज इक्वल टू आर या वाई मैक्सिमम मैं कह देता हूं, और डियर चिल्ड्रन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड बेटे एम्पलीट्यूड, और इस तरीके से एम्पलीट्यूड को आप डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड पैरामीटर है आपका व्हाट डू वी मीन बाय द एम्पलीट्यूड इन द केस ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डियर चिल्ड्रन वी डायरेक्टली कैन से दैट जो आपका पार्टिकल ये मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उस केस में बेटे जो एम्पलीट्यूड है दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आप ये सारे स्टेप्स जो हैं ये वहां पर लिखकर इंडिकेट कर सकते हो कि जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल है दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज द केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। डियर चिल्ड्रन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर जरा मुझे एक बार बता दीजिए, सारे बच्चों को पता चल रहा है ना बेटा, अंजलि इश्नूर जपन नमन राघव रमन सहज वंश अदिति दिलजीत दिवनूर गुरसिमरन हरमन मिताली, ठीक है बेटे, साथ साथ बेटे थोड़ा लिखते जाना है आपने, इट विल बी वेल ऑल वेल रादर इन द एंड। चलिए डियर चिल्ड्रन आगे चलें, देन मैं बात करूंगा बेटे वेलोसिटी की। वेलोसिटी जैसे आप बेटे सिंपल मोशन में डिफाइन कर चुके हो, यहां पर आपका जो वेलोसिटी होगा डेफिनेशन तो वही रहेगा, वी कैन से दैट वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप बी से डिनोट करोगे, डेफिनेशन लिखी जा सकती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बेटा। सो दिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई, ये आपने निकाल रखा है आर साइन ओमेगा टी। इसका हमें बच्चों डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेट मी मेक स्पेस फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल
then we will begin with this discussion, or we will continue with this discussion ahead. But ये देखिए पुत्र, derivative जब आप लोगे तो बच्चों r तो आपका कांस्टेंट है, रेडियस है ये तो सर्कुलर ट्रैक का, इसके ऊपर तो कोई बेटे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस डेरिवेटिव एंड दिस इज डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. बच्चों साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, सो वी विल बी इक्वल टू आर एंड इट इज कॉस ओमेगा टी इंटू डी डी टी ऑफ ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा साथ में आपको मिलेगा बेटे. सो इसको बेटे टर्म्स को थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लीजिए. b इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आप बच्चों ऐसे इसको लिख सकते हैं. लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर फॉर्म नहीं है इसका वेलोसिटी का, तो आप इसको स्टिल मॉडिफाई कर लीजिए. y इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेटे कॉस ओमेगा टी जो है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के रूट के अंदर ऐसा जो है ये लिखा जा सकता है. सो वी इट विल बी इक्वल टू आर ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है पुत्र जी, यहां से आप निकाल लीजिए जो डेफिनेशन था आपके पास. लेट मी डू दिस. हमने किया था वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज वाई बाई आर. ये बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है जो आपने बिगनिंग में डिराइव किया था, तो आप इसकी जगह पर वाई बाई आर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और इसका कर दीजिएगा स्क्वायर. सो स्केयर करने पे और उस स्केयर करने के बाद जो टर्म्स हैं इनकी रीएडजस्टमेंट करने पे लेट अस सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. वी माइट बी हैविंग दिस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड इट इज अंडर द रूट आर स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन आर स्केयर. स्टिल रीएडजस्टमेंट कर लीजिए, आर ओमेगा r square minus y square upon r and this r is getting cancelled. b is equal to omega r square minus y square. ये पुत्र आपके पास b displacement जो है ये दूसरी form में आपको result मिल जाता है. this is quite important. अब बच्चों इससे भी important है हमारा mean position पर और extreme position पर velocity के लिए डिस्कशन कर लेना कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी डियर चिल्ड्रन कितना होगा. बच्चों एट द मेन पोजीशन पे आपका जो बेटे वाई है ये तो जीरो ही रहेगा मेन पोजीशन पे, तो ये सेंटर पे ही रह गया. एट द मेन पोजीशन y is equal to zero, displacement है नहीं पार्टिकल की, पार्टिकल ओरिजिन पे ही रह गया. एंड v will be equal to omega under the root r का square, v is equal to r into omega. तो dear children, at the mean position आपका velocity जो है ये maximum बन गया है. This is rather maximum velocity बेटा, maximum velocity and is known as velocity amplitude. बेटा याद रखिएगा maximum value of the displacement आपकी जो velocity है इसको बेटे velocity amplitude कह देते हैं. और खुद देखिए ध्यान से maximum velocity कहाँ पे आ रही है, origin पे. origin पे सबसे ज्यादा तेजी से आपका particle जो है वो move कर रहा है, सबसे ज्यादा velocity possess कर रहा है. Now let us focus upon extreme position, that is at this point. इस point पे इतना होगा. At the extreme position, बेटे extreme position पे देखिएगा आपका displacement पूरे का पूरा radius के बराबर हो गया. ये y है ना, जैसे जैसे p आपका इधर पहुंचा तो y भी आपका जो है इस extreme end तक पहुंच जाएगा. और उस केस में डियर डियर चिल्ड्रन यू कैन से दैट
y इज इक्वल टू r, और बच्चों b कितना बन गया जी ओमेगा एंड r का स्क्वायर, y को आपने r सब्स्टिट्यूट किया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विल बी जीरो और इट विल बी बेटा वेलोसिटी विल बिकम जीरो। सो डियर डियर चिल्ड्रन एक्सट्रीम पोजीशन पर याद रखिएगा दिस इज ए सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। अगर आपको कोई कह दे कि आप कैसे साबित कर सकते हो जी कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो है, तो दिस इज द मैकेनिज्म टू शो दैट ऑल बेटा दैट वेलोसिटी इट हैज गॉट द मैक्सिमम वैल्यू एट द मीन एंड जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो डियर चिल्ड्रन शुड आई प्रोसीड फर्दर, इज इट ऑल क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? मनजोत, नमन, राघव, रमन, सहज, वंश, मिताली, दलजीत, अदिति, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं पुत्र मैं। वेरी नाइस वेरी नाइस बेटे डियर चिल्ड्रन, कॉपी पेन जरूर हाथ में रखिएगा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये जो आपका मैथमेटिकल इसमें आपका फॉर्मुलेशन आ रहा है साथ साथ इसको बेटे करते जरूर जाइएगा, बिकॉज फिर बाद में ये चीज रह जाती है। देन डियर चिल्ड्रन आइए आगे चले एक्सेलरेशन डिस्कस करें। एक्सेलरेशन से पहले वाई आपने आर साइन ओमेगा टी निकाला था और बी था आपका आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी पुत्र। अब आइए फोर्थ हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पुत्र हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, जैसे आप डेली रूटीन में लीनियर मोशन में एक्सेलरेट कहते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यहां पर भी हम कह देंगे डेफिनेशन जरूर लिख देनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी। और बच्चों ये देखिए वी आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, इस वी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास एक्सेलरेशन बन गया डी डी टी ऑफ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और मैं जानना चाहूंगा रमन जीत पुत्र जरा बोलेंगे डेरिवेटिव कितना आएगा इसका पुत्र जी, रमन रमन जीत इसका डेरिवेटिव आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है माइनस साइन टी। वेरी नाइस, थम्स अप फॉर यू, ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस मैंने पहले निकाल लिया आर एंड ओमेगा, ये तो चलो ऐसा चाहिए है, कॉस का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा करोगे तो ओमेगा का बच्चों स्केयर हो जाएगा। सो डियर डियर चिल्ड्रन दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर एक्सेलरेशन। कभी कभी हम इसको अगर आप देखें आर साइन ओमेगा टी को बच्चों ये वाई सब्स्टिट्यूट करके भी इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी माइनस ओमेगा स्केयर आर साइन ओमेगा टी की जगह पर आपने लिख दिया जी वाई। सो डियर चिल्ड्रन इस फॉर्म में भी आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का खास करेक्टरिस्टिक है कि एक्सेलरेशन डियर डियर चिल्ड्रन इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दिस डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा ध्यान से, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है। सो इन दिस वे बेटे आप अपना एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। थोड़ा सा अगर और मैं आपको आगे ले चलूं डियर चिल्ड्रन विद दिस फॉर्मेट फर्दर, तो मेरे यहाँ पास एक टाइम पीरियड का बच्चों कंसेप्ट आ जाता है कि कितना टाइम लेगा आपका पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए या SHN कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड बेटे मैं ले रहा हूं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई के मैग्नीट्यूड। ये साइन बच्चों मैंने छोड़ दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। आई होप कि आपको समझ आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को, मैंने ये साइन हटा दिया है बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू डील विद द मैग्नीट्यूड ओनली प्रेजेंटली बेटा। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, और लेट मी बेटे गो फॉर विद दिस डिस्कशन हेड ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड। वी विल बी लेट अस सी व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर। रीअरेंज करूंगा बच्चों में टर्म्स को,
मेरे पास ओमेगा स्क्वायर डियर चिल्ड्रन बन गया जी ए अपॉन वाई और ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए अपॉन वाई। कभी कभी आपको ओमेगा निकालने को भी कह देते हैं तब आपने यहाँ पे रुक जाना है फॉर ए मोमेंट, लेकिन अगर आप ओमेगा को 2π/T पुट कर दोगे बेटा तो ये आपके पास ए ओवर वाई आ जाएगा। एंड डियर चिल्ड्रन टी बड़े ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू 2π/y अपॉन ए, टाइम पीरियड इज 2π स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। काफी काम आने वाला एक्सप्रेशन हमारे आगे चलकर। और छोटा सा पॉइंट इसके साथ रिलेटेड और हम करेंगे बात, जैसे आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी आपने कर रखा है ऑलरेडी, दिस इज पॉइंट नंबर 6 बेटा। फ्रीक्वेंसी न्यू से आप डिनोट करते हो और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड हुआ करता है बेटे। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/T, इट विल मीन दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। इसका आपने खास ध्यान रखना है रिलेशनशिप का। इसको मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, फ्रीक्वेंसी मेरे पास बेटे जो है बन गई। सारे बच्चे ध्यान से चेक करके बताइए, सारे बच्चों को पुत्र क्लियर है? जपन, प्रीत, रमन, वंश, हाँ जी पुत्र जी, सारे स्टूडेंट्स बेटा, गुरसिमरन, वैभव एंड वंश, आपकी आवाज नहीं आ रही, वैभव एंड वंश? यस सर। बेटे थोड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है, इज इट ऑल वेल? वैभव, वैभव बोल नहीं रहा है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आइए थोड़ी बात करें और आगे बेटे। कई बार बेटे वो आपको फेज की बात करके कहते हैं कि जी फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। उन टर्म्स में बेटे मैं थोड़ा सा ना डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूंगा। लेट अस फोकस कि हम फेज और फेज डिफरेंस जो है इनको किस तरीके से बच्चों स्टडी कर सकते हैं। आइए थोड़ी बात करके देखें बेटे। इमेजिन कर लीजिएगा आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, ये बेटे मैं सर्कल द्वारा ड्रॉ कर रहा हूँ, आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए सर्कुलर ट्रैक, और ये आपके वाई एक्सिस और ये आपके एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। और बेटे मान लीजिए जब आपका टाइम जीरो था, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश लिख ही देता हूँ, वाई ओ वाई डैश, ये वाई डैश एक्स वाई एक्स डैश। जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, आपका पार्टिकल यहां पे था, यहां नहीं था, मतलब ये ऑलरेडी एंगल फाई ट्रेस कर चुका था एक्स एक्सिस के साथ। यानी जब टाइम टी जीरो है, आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे नहीं है, इस पी पॉइंट पे है, पी पोजीशन पे है। फिर थोड़े टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, आपका पार्टिकल पहुंच गया, इसको पी डैश बोल दो, इसको पी बोल दो, यहां पहुंच गया और इसने एंगल डियर चिल्ड्रन ट्रेस किया ओमेगा इनटू टी का। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये यहां पहुंच गया। अब ये बच्चों पूरा एंगल देखिएगा, अगर इस पूरे एंगल को मैं बोल दूं जी ये थीटा है, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जा सकता है पुत्र, देखिए मुझे बताइए, ओमेगा टी प्लस फाई लिख दूं अगर तो थीटा समझ आता है सारे बच्चों को? अंजलि, इश्नूर, जपनप्रीत, ठीक है बच्चे, ठीक है पुत्र। तो बेटे मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां ये जैसे हमने पहले किया था एम पॉइंट, और आपने अब ये एंगल आपका थीटा बना है, आप लिखोगे वाई इज इक्वल टू आर, बाकी सब कुछ सेम है बेटा, आर साइन थीटा, थीटा आपका अब कितना है बेटे, ये ओमेगा टी प्लस वाई के बराबर। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो आप बेटे, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द एंगल, ये सारा फेज है बेटा।
अगर मैं बात करूं पुत्र फेज की, तो फेज आपका, मेरी बात पुत्र जी याद रखिएगा, फेज को आप एंगल की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, या फेज को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो कि कितने टाइम पे कहां पे आपका पार्टिकल था इन टर्म्स ऑफ टाइम सिंपली। सो दो तरीके हैं, वैसे मोस्टली हम एंगल की टर्म्स में मेजर किया करते हैं। सो फेज आपका बच्चों यहां पे कितना बन गया है, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें भी अगर आप बेटे ले लो एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो था आपका ओमेगा, ये टर्म बच्चों खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पर फेज कितना बन गया फाइव के बराबर, और बेटे जब टाइम जीरो हो जितना भी फेज उस टाइम पे हो, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज और इट इज आल्सो कॉल्ड इपोक। सो इन दिस वे आपने बेटे इस सारे के सारे कंसेप्ट को बच्चों समझना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। सो मे आई होप डियर चिल्ड्रन, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? हाँ जी पुत्र जी, चलूं आगे मैं। देवलोर, अदिति, सहज, रमन, राघव, नमन, मंजोत, ओके बेटा, चलिए जी बेटे आगे चलते हैं। एक बार फिर से समझा दो। हाँ, कौन सी चीज बेटे? ये सर इनिशियल फेज। यस सर। बेटे देखो, जब टाइम जीरो था ना आपका, आपने टी की वैल्यू जीरो पुट कर दी इसमें, जो जीरो है वो बेटे आपके ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा इंटू टी जीरो हो जाएगा। ये टर्म मैंने लिखी नहीं, अकेला फाइ रह गया। इसका मतलब है जब टाइम टी जीरो है तो आपका फेस फाइ के बराबर ही है, बिकॉज ये तो टर्म है ही नहीं है, इट कंट्रीब्यूट्स नथिंग, और ये जो आपका फेज है उस टाइम पर, इसी को आपने बोल दिया इनिशियल फेज। क्लियर अदिति नाउ पुत्र? यस सर, थैंक यू सर। इसको साथ साथ बच्चों नोट जरूर करना है, अगर आप साथ साथ नोट कर लोगे 70% आपको साथ ही काम आपका क्लियर हो गया। अगर आप लिखोगे नहीं, फिर आपको ये दोबारा फिर से सारा करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा मुश्किल भी लगेगा। सो आइए आगे चलें पुत्र। इसके बाद मेरे पास है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीनों चीजें आपने अभी अभी की है, इनको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? आइए थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है 2-3 मिनट का। आपने प्रेजेंटली कहा है वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, बेसिक आपका जो है, और वी आपका जो है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेटा बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करके, ठीक है जी। और ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, इट विल बी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और बच्चों आपका यस, एक मिनट एडजस्ट कर लीजिए, आपका जो एक्सेलरेशन है दिस इज माइनस, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर को अगर छोड़ दूं आर साइन ओमेगा टी, तो आपका वाई है ना बेटा, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, दिस इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है ये बच्चों नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इस बेटे चीज को मैं अगर ग्राफिकली शो करना चाहूं, रिप्रेजेंट करना चाहूं, आइए बच्चों देखें कैसे आप ग्राफिकल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे शो कर सकते हो। ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करिएगा, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये आपके पास वेलोसिटी के लिए, ये आपके पास एक्सेलरेशन के लिए। इसको आप थोड़ा ऐसे इंटरवल्स में डिवाइड कर लीजिएगा, 1/4 ऑफ द टाइम इंटरवल, 1/2 ऑफ द टाइम इंटरवल, 3/4 ऑफ द टाइम इंटरवल,
कंप्लीट टाइम इंटरवल. सो ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, इधर वाई, इधर वेलोसिटी, इधर एक्सेलरेशन. बच्चों अगर आपका ये इस तरीके का है डिस्प्लेसमेंट साइन कर्व है, जैसे आपने अभी अभी शो किया था, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से देखिएगा, कल हमने शायद बात की थी लास्ट टाइम, ये साइन वेव बनाई थी बच्चों. और बेटा जी आप देखिएगा वेलोसिटी को, वेलोसिटी के इस फेज को देखिएगा ध्यान से. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के कंपैरेटिवली डिस्प्लेसमेंट का फेज ओमेगा टी है, इसका है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. मतलब ये 90 डिग्री आगे चला गया. 90 डिग्री आगे कैसे चला जाएगा, आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करिएगा, दिस वे ऐसे बेटे ये ग्राफ आ जाएगा. इसको बच्चों ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका समझिएगा, इसको ग्राफ को इमेजिन करिए कि आपने पकड़ लिया, पकड़ के इतना पार्ट जो है इधर खींच दीजिए, ग्राफ को पकड़कर इधर खींच दीजिए इतना हिस्सा, तो सारे इंटरवल्स में जो ये 1/4 है इधर शिफ्ट हो जाएगा. दैट विल इंडिकेट कि ये पाई बाई 4 आगे चला गया है. और इसको देखिएगा नेगेटिव साइन को, ये इंडिकेट कर देता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट हो गया. तो आप इसके बिल्कुल अपोजिट ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा. ये बच्चों आपका बन गया जी ग्राफ इस तरीके का, दिस वे. सो ये आपका बेटे डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये डियर चिल्ड्रन एक्सेलरेशन. ग्राफिकल फॉर्म में आप इस तरीके से ये कर सकते हो बेटा. बड़े ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कोई पॉइंट नहीं पता चला तो. सारे स्टूडेंट्स बेटा, हाँ जी बेटा जी, इश्नूर, जपन, मंजोत, नमन, राघव, रमन, सहज वंश, सारे बच्चे पुत्र, मिताली, प्रभदीप कौर, वैभव, हरलूर कौर, हरमन, गुरसिमरन, दृष्टि, दिवलूर, दिलजीत, आदिति, यस बेटे बहुत बढ़िया बेटे, वेरी नाइस. तो बेटे मैं यहाँ पे फिर अभी रुकता हूँ, बाकी काम नेक्स्ट पीरियड में करते हैं. अगर नेक्स्ट टॉपिक में अभी लिखूंगा अभी तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंप्लीट बिकॉज योर टाइम फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज देयर. सो बेटे विद दिस थैंक यू ऑल बेटा, इसको थोड़ा लिख के करते रहिएगा और देखते रहिएगा. थैंक यू ऑल, बाकी काम नेक्स्ट पीरियड में बेटे करते हैं.